Everyone, my name is Shivan Basin. Welcome back to the channel, The Investology. So guys, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी रही है. हम लोगों ने देखा था एक गैप ओपनिंग थी, बट आफ्टर दैट एक पूरे टाइम साइडवेज पर रहा. एंड लास्ट आवर के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए हैं. सो आज देखते हैं आज की मार्केट रही किस तरीके से, अब कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स को फॉलो करने चाहिए, या बाय प्रेफर करें या सेल प्रेफर करें, सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर. चलते हैं अपनी एनालिसिस पे. हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जिसके रेंज के अंदर ही मार्केट वर्क कर रही थी. एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो, लास्ट आर के अंदर ही हम लोगों को लास्ट सेशन पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला. एंड जैसे ही इसने 17,100 के नीचे गया, वहीं पर ही एग्जैक्टली हम लोगों ने 17,100 का पुट भी सजेस्ट कर दिया था. एंड हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग कर सकते हैं. लेट मी जस्ट शो यू, आप चेक कर सकते हो कि एट हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था. हम हर दिन एक ही बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड ले रहे हैं एंड अच्छा प्रॉफिट आ रहा है. सो पूरे टाइम तो मार्केट साइडवेज रही थी एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड देम कि जैसे ही 17,100 ब्रेक होगा, हम लोग 17,100 का पुट भी ले सकते हैं. एंड जैसे ही ब्रेकआउट देने वाला था एट 107 पे, आई हैव सजेस्टेड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था. एंड यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल हो चुका था. अब ट्रेड किस तरीके से करना है हमें अपने निफ्टी में. सो अभी तो इसने एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक तो कर दिया है 17,000 को, बट उसी के पास क्लोजिंग दी है 17,970 के आसपास, और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी है. अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो हम नीचे हैवी और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट मार्केट शायद एक रिबाउंड या बाउंस कर सकती है. सो मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेवल है, मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ एट दिस लेवल. ठीक है, ये एग्जैक्टली जिस लेवल पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसका आज का लो ले लेते हैं, लेट्स से. ठीक है, अगर इस लो के नीचे मार्केट जाती है और एक सिंपल क्लोजिंग आती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को एक क्लोज कर देती है, तो हम लोग सिंपल बेसिस पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे. फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा जो कि एग्जैक्टली 16,800 रुपीज का निकल के आ रहा है. एंड ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का जब फॉल आएगा तो हम लोग को अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं. रिमेंबर दैट वन थिंग. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अभी ये ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट अगर अभी US 30 की मार्केट बंद होती है और एक अच्छी पॉजिटिव साइन में या न्यूट्रल में बंद होती है, तो देर इज अ हायर चांस कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे खुले, थोड़ा बहुत इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे जो कि 17,100 से लेके 16,970 का होगा. इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है. अब अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देती है हम ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे का कंसोलिडेट के बाद ब्रेकडाउन देती है तो अपना ट्रेड सेल साइड में लेंगे. बाय हमें नहीं करना, सेल ही हमें करना है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डाटा में सारे के सारे पुट राइटर्स 17,000 से 17,300 तक सब एग्जिट कर चुके हैं. ठीक है, हल्के हल्के. सो मोस्ट प्रॉब्ली देर इज अ हायर एक्सपेक्टेशन की मार्केट नीचे ही जाएगी, बट आफ्टर अगेन अ साइडवेज मोमेंटम, शायद कल एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर सकती है, आफ्टर दैट एक फॉल आ सकता है. एक बार बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं. सो बैंक निफ्टी पे आप मैं सारी चीज़ें एक बार हटा देता हूँ तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. बैंक निफ्टी में अभी ये एक रेंज है जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है एट दिस पर्टिकुलर रेंज. अगर कल ये वाला लेवल ब्रेक होता और एक अच्छी क्लोजिंग हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम या 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, देन इट्स अ क्लियर साइन कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है. और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल एंड अ सेकेंड टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जो हमें क्लियर बेसिस पे बैंक निफ्टी दिखा सकता है, बट हमें वेट करना है कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो. रिमेंबर दैट कि बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ, तो देर इज अ हायर चांस कि कल बैंक निफ्टी गिर सकता है और निफ्टी शायद रेंज बाउंड हो सकता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग नजर में रख सकते हैं, हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है. अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की. ये आपको पता होगा कि मैं जब भी मार्केट क्रैश भी कर रही हूँ, कुछ भी होता था, मैं आप लोगों को बाय के ही स्टॉक सजेस्ट करता था. आज मैं आप लोगों को इंट्राडे पर्पस के लिए 3 स्टॉक्स सेलिंग के पर्पस के लिए दे रहा हूँ जो आप कल ट्रेड कर सकते हो. बात करते हैं सबसे पहले BOB की. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की. यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी टाइप. ठीक है, सो बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ओपन कर लिया. लेट मी ओपन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम फॉर यू. एंड ऑन 2 आवर्स टाइम फ्रेम एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है. मैं यहाँ से आईज हटा देता हूँ एंड तब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी फॉल हमें देखने को मिली थी और पहले मार्केट एक अच्छी खासे अप मूव के अंदर थी. सो मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ. देखिए, लेट्स ओ मेक अ ट्रेंड लाइन. एक अच्छा सपोर्ट लेवल से कनेक्ट करते हुए जा रही थी, एक अच्छा हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूशन फॉर्मेशन था, एंड आफ्टर दैट अ फॉल आया
एंड इस रेंज के नीचे गया, कंसोलिडेट करते रहा और एक इसने बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा है। अगर मैं इसमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी के सपोर्ट लेवल पे है। सो अगर अभी जो करंट प्राइस है इसका 129.50 है, अगर ये 129 के नीचे या 128.80 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो हम एक क्लियर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट टारगेट मैं अपना एग्जैक्टली प्रीवियस स्विंग लो ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो कि 118 का है, जो आई पर्सनली थिंक कि मुझे ये दिखा सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बैंक निफ्टी जैसा मैंने बोला अगर फॉल करेगा तो इस पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन का ट्रेड लेके अच्छा पैसा बन सकता है, इसको वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्री पे भी हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रेड लिया है एंड इस पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई थिंक ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड बना रहा है। अभी आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट लेट मी चेक। या सो हम पिडिलाइट को ओपन कर लेते हैं एंड या आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन हायर लेवल्स बना है। अगर अभी जो इसका करंट प्राइस है दैट इज 2610 रुपीज, अगर ये 2590 के नीचे जाता है और एग्जैक्टली 50 मिनट्स की क्लोजिंग एवरी स्टॉक पे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि वहां पे सेलर्स आ रहे हैं और बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। सो अगर वो क्लोज आता है तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमें 2550-2540 तक के टारगेट्स इजीली मिल सकते हैं। सो 40-50 रुपए ये पर्टिकुलर स्टॉक भी कल हमें दे सकता है, इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। बट रिमेंबर, जब तक कोई भी स्टॉक ब्रेकडाउन ना करे जो मैं लेवल सजेस्ट कर रहा हूँ तब तक ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है। सिंपल एनालिसिस ही आपके साथ शेयर करी जा रही है। और लास्ट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पे भी सेम तरीके का ट्रेड है। मैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए। या सो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि एक बहुत अच्छा खासा फॉल आया। पहले मार्केट एक अच्छी खासी जर्नी में थी, ठीक है, एग्जैक्टली जो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उसके बाद एक फॉल आया, ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर अब इसका ब्रेकडाउन कर रहा है। सिंपल एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकडाउन है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और मैं इस सब सारी चीजों को मैं भी हटा देता हूँ, सो हमें एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अभी करंट प्राइस है 1670 रुपीज का, हमें शॉर्ट करना है जब ये जोन इस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाके क्लोज करता है। सो दैट मीन्स अगर ये 1660 के नीचे 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज करता है, हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं ऑन अ क्लियर बेसिस। हमारा जो पहला टारगेट होगा दैट शुड बी अराउंड 1640 रुपीज का, आई थिंक अच्छे टारगेट्स हैं, हमें इजिली मिल सकते हैं, और भी लोअर लेवल्स पे ये जा सकता है। सो मेक श्योर ये तीन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो। कल मार्केट साइडवेज रहती है और बियरिश रहती है तो ये तीनों स्टॉक्स में हमें पैसा मिल सकता है, अप मूव में फिर शायद ये अपॉर्चुनिटी हमें ना मिले। सो हैव अ वेरी गुड डे गाइस, आई होप आपको पसंद आ रहा है। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहां पे हम एक या दो कॉल्स ही दिन में देते हैं, बट वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर एनालिसिस करके दिया जाता है और उसमें रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। सो मेक श्योर आप ज्वाइन करो, प्रॉफिट अर्न करो एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।